मेरठ के मवाना नगर में जाम की सबसे बड़ी समस्या यहाँ सुगर मिल के चलने के बाद गन्ने की बोगी ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रकों के आ जाने के कारण है। मवाना रोड पर अगर आप निकलने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम आधे से एक घंटे का समय लेकर आएं, क्योंकि आप इस जाम में फंस नहीं जाएंगे। राहगीरों को जाम से निजात दिलाने के लिए व्यापारी लगातार यहां क्षेत्रीय अधिकारियों को जाम से जुड़ी समस्याओं के लिए ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगती। यहां पर हर वक्त जाम का झाम लगा रहता है। पुलिस चौकी से लेकर अगर पुलिस भी कहीं जाना चाहे तो पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी इस जाम में फंस जाती है। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि मवाना रोड पर एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही है, जिसके कारण लगता है कि किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी और उच्च अधिकारी मवाना रूट को देखने के लिए तैयार नहीं और इस जाम का समाधान करवाने के लिए तैयार नहीं। इस जाम से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अगर हमें जल्द से जल्द इस जाम से छुटकारा नहीं दिलाया गया तो हम लोग प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कब से खड़े हम जाम में? तो साथ ही सामान लेके जा रहे हो?